हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और मैं हूँ अपनी बालकनी में। यहाँ पे धुल रही हूँ सॉस पैन, इसमें मैं अभी चिड़ियों के लिए पानी रखूँगी। इसको बहुत लोग चायदानी भी कहते हैं, सॉस पैन भी कहते हैं, तो उसी को मैं धुल रही हूँ। और इसमें मैं रखती हूँ चिड़ियों के लिए पानी, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी हो रही है, वो सब बहुत प्यासी हो जाती होंगी, तो इसीलिए मैं इसमें रोज़ पानी भर कर रख देती हूँ। तो इसमें 2-3 दिन का इस बार पानी हो गया था, मैं नहीं बदल पाई थी बेटी के चक्कर में, इसलिए मैं आज इसको सुबह ही जल्दी से धुल के रख दे रही हूँ पानी। और वैसे तो इसको छत पर रखें तो ज़्यादा सही, यहाँ तो मैं दूसरी मंजिल पर रहती हूँ और अभी इसके ऊपर 2 मंजिल और है, तो छत पर नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं यहाँ पर कूलर पर ही रख देती हूँ, ताकि यहीं पर आके चिड़िया पी लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और उसके बाद मैं चटाई धुलने जा रही थी, लेकिन उससे पहले मेरे पैर में शीशे का टुकड़ा घुस गया, बहुत खून निकल रहा था। ये देखिए, बहुत सारा खून निकलने लगा था और मैं देख भी नहीं पाई थी कि शीशे का टुकड़ा कहाँ से चुभ गया। अचानक से यहीं पड़ा होगा, क्योंकि आंधी तो आजकल रोज़ बहुत चल रही है, तो उसी आंधी में टुकड़ा आके गिर गया होगा छोटा सा, मैं देख नहीं पाई थी और मेरे पैरों में चुभ गया, तब मैं जान पाई कि हाँ। और मेरी बेटी भी यहीं सुबह खेल रही थी, ठीक हुआ कि उसके नहीं लगा। मैं तो बहुत खुश हुई थी कि उसको नहीं लगा, कहीं उसको लग गया होता तो और दिक्कत हो जाती। तो वही मैं धुल रही हूँ पैर को, क्योंकि बहुत ब्लड निकलने लगा था। उसके बाद मैं रुई से पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि कांच में का टुकड़ा लग जाता है तो इतनी जल्दी खून तो बंद होता नहीं है, लेकिन वही मैं रुई लगा रही थी यहाँ पर ताकि बंद हो जाए, क्योंकि अभी मुझे चटाई भी धुलनी थी यहाँ पे और सफाई करनी थी बालकनी की, क्योंकि आजकल रोज़ आंधी चल रही है तो बहुत घर गंदा हो जाता है बालकनी। और यहीं पे मेरी बेटी खेलती है, इसीलिए मैं इसको धुल देती हूँ। चटाई भी इस बार बहुत दिन से मैंने नहीं धुली, बहुत गंदी हो गई थी, तो उसको भी मैं धुल रही हूँ। उससे धुलने जा रही थी तो उससे पहले तो मुझे यही चुभ गया, तो वही पहले ठीक कर रही हूँ ताकि ब्लड बंद हो जाए, तब मैं अपना काम करूँ। और यहीं पे किसी ने रख दिया होगा, ऊपर आंधी में आया, किसी खिड़की के छज्जे पे रखी थी, मुझे दिखी थी, और वहीं पे रख दिया होगा किसी ने, तो आंधी में आजकल आंधी भी तो बहुत चल रही है, तो उसी में आके गिर गया होगा यहाँ पर, मैं तो देख नहीं पाई थी, तो इसीलिए वही चुभ गया। तो अब मैं अपने पैर पे रुई लगा रही हूँ ताकि कि ब्लड बंद हो जाए कैसे भी, क्योंकि ब्लड बहुत निकलने लगा था, मेरा पैर भी बहुत दर्द होने लगा था। कभी कभी कुछ अनजान लोग भी कितना दर्द दे जाते हैं, क्योंकि मैं तो जानती भी नहीं हूँ किसने यहाँ पे रखा था किसने नहीं, और मेरे आके बताइए चुभ गया। मैं तो जान भी नहीं देती थी कि यहाँ पे मुझे चुभ जाएगा, और मैं इसके बाद ढूंढने भी लगी थी कि आखिर है क्या है मुझे, क्योंकि दिखा तो था नहीं वो कि कहाँ से लगा, तो वही पहले मैं यहाँ पर ढूंढने लगी थी देखिए। और यहाँ पर मुझे कांच का टुकड़ा मिला, मैं पहले तो देख नहीं पाई, उसके बाद मैंने देखा और देखिए कितना नुकीला सा है, बहुत नुकीला था, है तो छोटा ही लेकिन बहुत निकीला है, कहीं पूरा चुभ गया होता तब तो बहुत दिक्कत हो गई होती। और मैं तो यही खुशी हो रही थी कि चलो मेरी बेटी को नहीं लेगा, क्योंकि सुबह वो भी यहीं पे खेल रही थी और वो अंदर चली गई थी, सो गई थी, तब मैं ये सब कर रही हूँ, और मैंने यही खुश हो गई कि उसको नहीं मिला। और इस तरीके के कम से कम 3 से 4 टुकड़े मुझे यहाँ पर मिले थे, और इसीलिए मैं चटाई को हटा के पहले ये देखिए झाड़ू से झाड़ने लगती हूँ, ताकि और भी हों तो मिल जाए, क्योंकि मैंने सोचा ऐसा ना हो कहीं मैं रही हूँ फिर से चुभ जाए, क्योंकि 3 टुकड़े उस तरीके के मिल गए थे। तो वही, और ये जो छज्जा आपको दिख रहा है इसी पे रखे थे, इसी छज्जे पे बहुत कांच के टुकड़े रखे थे, और आंधी तो इतनी आ ही रही, इसी आंधी से आके गिर गया होगा, क्योंकि आजकल बहुत आंधी चल रही है। तो वही मैं ढूंढ रही हूँ आके फिर से मुझे मिल जाए, ताकि मेरे चुभे ना, तो वही पहले झाड़ू लगा के देख ले रही हूँ कहीं है तो नहीं, लेकिन फिर नहीं मिला था। 3 टुकड़े मुझे लगभग मिले थे, तो सारे मैं हटा देती हूँ कि वरना फिर से चुभ जाएगा। पैर तो ऐसे भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा अभी नहीं करूँगी तो फिर मेरी बेटी जग जाएगी और मैं कर नहीं पाऊँगी, इसीलिए मैंने सोचा लो अभी कर लेती हूँ। तो अब उसके बाद मैं चटाई धुलने लगी हूँ, चटाई भी बहुत गंदी हो गई, क्योंकि हमेशा यहीं पर हम लोग बिछाते हैं, इसी वजह से बहुत गंदी हो गई थी, और तो उसी को मैं साफ़ करने लगी। कई दिन से मैं साफ़ करना चाहती थी लेकिन बेटी के चक्कर में नहीं कर पाती हूँ, तो वही अब मैं साफ़ करने लगी हूँ यहाँ पे। Thank you.
बालकनी पूरी धुलने के बाद मैं कपड़े फैलाने जा रही हूँ। मैंने सुबह ही आज मशीन चला दी थी और जब तक मैं धुलाई कर रही थी तब तक मेरे सारे कपड़े धुल गए, तो अब मैं ये कपड़े भी फैला दे रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है और बहुत अच्छी धूप आ गई थी। मैंने कहा चलो साथ ही साथ इसे भी मैं फैला देती हूँ ताकि दोपहर तक ये भी सब सूख जाए, और उसके बाद मैं अंदर का भी सब काम कर लेती हूँ। मेरी बेटी सो रही थी तो मैंने कहा चलो सब कर लेते हैं वरना वो जग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सब हो धुल दिए, कपड़े भी धुल गए हैं मशीन में, और सुबह ही धुल देती हूँ तो थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि इस टाइम बालकनी में बहुत अच्छी धूप रहती है। इनको थोड़ा सा आप लोग को भी दिखाते हैं क्या कर रही हैं, देखिए कैसे तबाही मचा रही हैं। बहुत तबाही मचाती है लड़की, बहुत तबाही मचाती, बहुत खुश हो रही है। और ये देखिए इनकी नई ड्रेस, आज मेरे बाबू ने नई ड्रेस पहनी है। ये मम्मी ने दी थी, ज़्यादा दिन हो गए इसको, ये थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैं रखी थी, इसको नहीं पहनाती थी, लेकिन अब इनके कपड़े तो कम पड़ रहे हैं तो मैंने पहना दी, क्योंकि बच्चों के होते हैं ना चाहे जितने भी कपड़े लो कम ही होते हैं, और ऐसे में तो ला भी नहीं सकते हैं और दिन भर में कितनी बार बदलना पड़ता है, तो मैंने कहा चलो इसी को पहना देते हैं। है ठीक है, बस थोड़ी सी बड़ी है इसीलिए नहीं पहना रही थी, मैंने कहा बाद में पहनाएंगे, लेकिन मैंने कहा चलो आज पहना देते हैं। तो मेरी बेटी ने भी नहा लिया है, मेकअप भी कर लिया, खेल रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोग तो मैंने कर लिया है, तो मेरी बेटी को भी आज मैंने सुबह जल्दी नहला दिया था क्योंकि बहुत सब सारी धूल आ गई थी घर में, नीचे खेल रही थी तो इसके बहुत लगे थे, इसलिए सुबह ही मैंने इसको भी नहला दिया। तो अभी टाइम हो रहा, अभी बज रहे 10:30 के लगभग। क्या हो गया, क्या हो गया, देखो सब लोग कहेंगे इनकी बेटी रोती है, इनकी बेटी रोती है, नहीं ऐसे कैसे मेरा बाबू नहीं रोता, लेकिन क्या हो गया, अब ये परेशान है, इनको घुमाओ कहाँ घुमाए, बाय कर दो, अच्छा बाय करो, बाय कैसे करते बता दो, बाय करो, बाय बाय करो। अभी मुझे चाय भी मैंने नहीं पी है, चाय भी नहीं है बनाने दे रही, बहुत परेशान कर रही, चाय भी नहीं बनाने दे, मेरा पैर भी दर्द हो रहा। मैंने और ये है दोपहर का टाइम, और मैं देखिए बना रही थी रोटी तो मेरी बेटी भी चली आई थी खाना बनाने, देखी, और मैं इसे बाहर छोड़कर आई थी खेलने के लिए, लेकिन ये आ गई थी और यहीं पे खेलने लगी थी, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, लेकिन इसके पापा इसको लेकर जा रहे थे लेकिन ये जा ही नहीं रही थी, यहीं पर खड़ी थी, और मैं ऊपर रोटी बना रही थी तो मैं भी इसको भेज रही थी, लेकिन ये देख रही थी उधर, लेकिन ये इधर अपने पापा को ही देख रही लेकिन जा नहीं रही थी, यहीं पे खड़ी थी क्योंकि मैं भी यहीं थी। और ये अब बार बार किचन में आ जाती है, जब भी मैं खाना बनाने आती हूँ तो ये किचन में ही चली आती है, तो हेल्प करती है किचन में भी आके, तो देखिए कैसे हेल्प कर रही हैं, बिल्कुल खड़ी हो जाती है, सारे डिब्बे फेंक देंगी, ये हेल्प करती हैं, सारे डिब्बे फेंकने का काम यही करती हैं। तो ऊपर मैं रोटी बना रही हूँ, और मैंने दाल चावल रोटी बनाई थी तो दाल चावल बन गए, अब सिर्फ रोटी बनानी है तो वही मैं रोटी बना रही हूँ। और ये इसको बुला रहे हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जा रही, देखिए देख रही है लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही है, अब मुझे भी देख लेती है उधर, उन्हें भी देख लेती है लेकिन जाती नहीं है। अब इसके बाद ये डलिए के पास चली जाएगी, वहाँ भी खेलेगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि मेरी बेटी कैसे खाना बना रही है किचन में। अभी से किचन में आके खाना बनाने लगी है देखिए, और जब भी मैं देर रहती हूँ किचन में तो ज़रूर चली आती है, और उधर उसके पापा उसे रोक रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है गिर ना जाए, तो मैंने कहा क्या करें, जब वो मान भी नहीं रही तो क्या करें इसके लिए। और इसमें जो रखी है डलिए में चक्कू, तो मुझे बहुत डर लगता है इससे कि कहीं चक्कू ना पकड़ ले, तो इसीलिए मैं चक्कू हटाने लगी हूँ, क्योंकि डलिया हटा दो तब तो फिर होने लगती, तो मैंने इसमें से सारे चक्कू निकाल के ऊपर रख दिए, और ये इसमें के आलू पकड़ पकड़ के खूब फेंकती है, बैठ जाएगी यहीं पे और इसके सारे आलू निकाल निकाल के फेंक देती है। और यहाँ पे पा गई है माचिस, और माचिस ये खेलेंगी, इनको तो कुछ भी मिलना चाहिए खेलना है, तो सारी माचिस निकाल के पूरी माचिस की तीलियाँ निकाल के यहाँ पे फेंक देती है, सब फेंक देगी अभी, और भाई ये खड़ी है, हमें तो डर लग रहा है गिर ना जाए कहीं, तो इसीलिए इसे भेज रही थी लेकिन नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा चलो रहने तो खेलने तो इसे यहीं पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी दिखा देते हैं कैसे मेरी बेटी यहाँ पर खेल रही है।
कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बेल आइकन के साथ। और मिलती हूँ आपसे।